चलो, ए फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन यू फॉर्मेट सी कैपिटल जी। और ये अब देखो, एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाया, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं, उसमें सी कैपिटल जी और इसकी वैल्यू वो हमें दी हुई है यार, ठीक है, मतलब वो हमें ए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब जो हम फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं वो लेंथ का डायमेंशन रखता है, ठीक है। अगर वो लेंथ का डायमेंशन रखता है तो एक तो तरीका यह है कि, और उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी यार, ठीक है, तो सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसमें से कौन सा वो क्वांटिटी है जो आप लेंथ बना रहे हो, समझ रहे हो, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया जिसकी डायमेंशन लेंथ है, तो एक ऑप्शन ये, एक करने का तरीका है कि सबका डायमेंशन चेक कर डालो, चारों ऑप्शन का डायमेंशन चेक कर, जिसका डायमेंशन लेंथ होगा वही वो फिजिकल क्वांटिटी है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि जो, जैसे हम करेंगे कि हमको पता है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, कोई नई क्वांटिटी बनाना है जिसका डायमेंशन ऑफ लेंथ है जो डिपेंड करती है किसके, सी की पावर एक्स कैपिटल जी की पावर वाई और साथ साथ ई स्क्वायर प्लस 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर एक्स वाई जेड। ये अब यहाँ से दूसरा तरीका है कि यहाँ से मैं एक्स वाई जेड कैलकुलेट करूँ और फिर उनकी वैल्यू ला के यहाँ पे रख दूँ तो वो एल मुझे दिखने लगेगी, ठीक है। तो पहला तरीका लेंदी है यार, हर ऑप्शन को चेक करना लेंदी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लकी होते हैं हम लोग, ठीक है भैया, लकी की चारों चेक करना, एक ही को चेक कर लो, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल प्रोसेस ये है, ठीक है। तो अब मुझे एक्स वाई जेड निकालना है तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं सबका डायमेंशनल फार्मूला रखूंगा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT-1। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैसे निकालोगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू Gm/r² होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़े हो तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, Gr² / m, दैट इज कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा L² और जी, जी क्या है, एक्सलेशन, एक्सलेशन का क्या होता है, LT-2 और मास का हो गया m, तो ये आ जाएगा m^-1, L^3 और T^-2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो कैपिटल जी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया और कैपिटल जी भी पता चल गया। अब बचा मेरे पास 1/E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा। अब कूलाम, जो कूलाम्स लॉ पढ़े होगे कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2/r का स्क्वायर होता है, वहीं से ये आएगा, ठीक है, वहीं से ये आएगा। मतलब ये जो है, अब ये जब अगर चार्ज बराबर है तो E² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा Fr², तो इसका डायमेंशनल फार्मूला Fr² के इक्वल होगा। फोर्स का हम लोग का याद है MLT-2 और ये r जो है लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, फोर्स का होता है MLT-2 और लेंथ l का स्क्वायर। तो बेसिकली अब मुझे मिलेगा ML^3 और T^-2, ये ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज का रखना नहीं है यार, ठीक है, और साथ साथ फोर्स का हो गया MLT-2 और लेंथ का हो गया L², तो ML^3। ये अब ये सारी जो वैल्यू है ले जाके मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, फर्स्ट जो इक्वेशन है मेरा, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैं रखूँगा तो L जो होगा वो डायमेंशनल कांस्टेंट ले लेते हैं, बाद में इसको हम मतलब लिख देंगे। तो सी, सी का हो गया बोलो LT-C का, सी का हम लोग निकाले यहाँ पे, बोलो सी का हम लोग कैलकुलेट किए, सी का जो हो गया वो आ जाएगा LT-1 और इस पे जो पावर है दैट इज एक्स, ठीक है, और सी और जी, कैपिटल जी, जो कैपिटल जी आया उसका डायमेंशनल फार्मूला M^-1, L^3 और T^-2, ठीक है, क्लियर है। और साथ साथ जो, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लाए वो ये है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो M^L²T^-2 L^3 है, दैट इज XYZ, ठीक है, तो ये आ जाएगा
ये वाई है, ठीक है, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, और ये तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं, इधर इस इधर डायमेंशन रखो, इधर रखोगे तो इधर आएगा एम नॉट एल नॉट, एम नॉट एल और टी नॉट, ठीक है, इधर और इधर एल, और इधर की एल एल को एक साइड करो, एक एल यहाँ है एल की पावर एक्स, और एक एल यहाँ है थ्री वाई, और एक एल यहाँ है, ठीक है, और वो भी है थ्री जेड के इक्वल है। एम एल एल एम का देखो, एम एक एम यहाँ है माइनस वाई, और एक एम यहाँ है प्लस जेड, और टी का देखो, टी का यहाँ पे माइनस एक्स है, और यहाँ पे टी का माइनस टू वाई है, एंड यहाँ पे माइनस टू जेड है, ये वाली चीज़। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा इसको, इसके साइड पावर इक्वेट करते हैं, एल की पावर कितना है, इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन आ गया, और ये एम की वैल्यू बोलो तो माइनस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, और टी माइनस एक्स माइनस टू वाई और माइनस टू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ हमें मिल गया एक्स वाई जेड, ये अब इनको हम सॉल्व करेंगे और ले जाके वहाँ पर रखेंगे एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से मुझे मिल जा रहा है कि जेड की वैल्यू वाई के इक्वल है, यार जेड वाई के इक्वल है। तो अगर जेड वाई के इक्वल है तो यहाँ से जेड और वाई इक्वल है, तो माइनस एक्स और माइनस जेड और वाई इक्वल है, तो माइनस फोर वाई दैट इक्वल टू ज़ीरो, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, ठीक है। या नहीं तो जेड और वाई के इक्वल है तो इसमें एक और यहाँ यहाँ भी देखो, इसमें भी डाल दो जेड और वाई अगर आपस में इक्वल है जेड और वाई, तो थ्री थ्री सिक्स, तो ये आ जाएगा एक्स और ये सिक्स वाई दैट इक्वल टू वन। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाने के बाद ये टू वाई दैट इक्वल टू वन, मतलब वाई की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, क्लियर है भाई, y की वैल्यू 1 बाई टू हमें दिखने लगी। चलो y की वैल्यू अगर 1 बाई टू दिखने लगा तो z की वैल्यू भी तो 1 बाई टू होगा, 1 बाई टू ही होगा, क्लियर है एक्स वाई। अब ये x की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी, चलो थोड़ा सा यहाँ, चलो x की वैल्यू यहाँ से x प्लस और 3 y की वैल्यू 1 बाई टू है प्लस 3 और z की वैल्यू भी 1 बाई टू है दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बाई टू 3 बाई टू, तो x प्लस ए 6 बाई टू दैट इज 6 बाई टू इज इक्वल टू 1, 6 बाई टू इज इक्वल टू 3, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी और 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, है ना। चलो x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये लंबा सवाल था, टाइम कंज्यूम हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 और y और z 1 बाई टू। तो जब यहाँ पर रखोगे तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा x इज इक्वल टू, जो l का फार्मूला बनेगा वो बनेगा, हाँ यहाँ पे जो यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो सम कॉन्स्टेंट c की पावर माइनस 2 और z की पावर 1 बाई टू और e और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर ये आ जाएगा 1 बाई टू। तो अगर ये 1 बाई टू है तो ये रूट के रूट में आ जाएगा, और रूट में आ जाएगा तो ये बनेगा 1 अपन सी स्क्वायर, 1 अपन सी स्क्वायर और ई अपन कैपिटल जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1 बाई टू। तो 1 बाई सी स्क्वायर देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 1 बाई सी स्क्वायर ई जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई जी का स्क्वायर था ना, तो ई जी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रहेगा, ठीक है ये स्क्वायर रहेगा, तो बेसिकली ई जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, मतलब ये है कि हम लोग का डी ऑप्शन मैच कर रहा है ना। लंबा सवाल था, कैलकुलेशन था, कुछ ज़्यादा था नहीं, बट दैट वाज द लेंथी। अब मैं आपको दो प्रोसेस बताया, अब दोनों प्रोसेस से आपका